गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह सुबह मैं इंस्टाग्राम में ऐसी रील स्क्रॉल कर रहा था, तो आप द रॉक को जानते होंगे, तो द रॉक का रील आया और उसमें उसने एक कोट के बारे में बताया था जो कि कुछ ऐसे था, वन डे और डे वन। तो आप शायद समझ ही गए होंगे, तो या फिर आप ये सोचो कि वन डे मैं कुछ स्टार्ट करूँगा या फिर वो आपका डे वन होगा। तो आज उस डे स्टार्ट करते हैं, पहले नॉर्मल वार्म अप किया, 15 kg की 2 प्लेट्स, 30 kg वेट, 6 to 7 रेप्स लगाने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, तो आज हमारा पुश डे है। पुश डे में हम अपने शोल्डर्स, चेस्ट और ट्राइसेप्स मसल्स लगाते हैं, बट कभी भी ये वर्कआउट हमारा पूरा नहीं हो पाता, जिसमें कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट थोड़ा सा रह जाता है। ठीक है, बढ़िया। अपने डिप्स से वेटेड डिप्स जो कि एम्फेसिस करेगा हमारा लोअर चेस्ट एज वेल एज ट्राइसेप्स मसल्स। तो हमारा ज़्यादा फोकस ये नहीं होता कि ओनली चेस्ट को हिट करे, हम ओवरऑल इसमें स्ट्रेंथ ही लगाते हैं। देन हमने प्रायोरिटी दे दी अपने लोअर चेस्ट और ट्राइसेप्स को, उसके बाद पुश में हम करेंगे शोल्डर को टारगेट। शोल्डर को टारगेट करने से क्या होगा कि हमारा अपर चेस्ट एज वेल एज शोल्डर टारगेट होगा, जिसमें हमारा प्राइमरी मसल्स होगा शोल्डर और सेकेंडरी मसल्स होगा हमारा अपर चेस्ट। देन उसके बाद हम एक फ्लैट बेंच में डंबल प्रेस या फिर बारबेल प्रेस कर लेंगे। वो सेकेंड सेट 50 kg, 30 kg की 2 प्लेट्स और 20 kg। थोड़ा सा सेटअप वियर्ड हो गया है, हल्का सा शेक रहेगा, चेन थोड़ी सी लंबी है। डिप्स एक बेसिक फाउंडेशन एक्सरसाइज है जिसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे डिप्स के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली चेस्ट फोकस होता है और स्पेसिफिकली ट्राइसेप्स फोकस भी होता है, बट इसमें हम ओवरऑल नॉर्मल डिप्स लगा रहे हैं। बढ़िया। तो ये बादल का सेकेंड सेट है, प्रोग्रेशन लिया है 5 kg का, गुड। बादल का फॉर्म बहुत अच्छा है, तो आप उतना ही वेट पिक करिए जो आपको लगता है कि आज आप पिक कर पाएंगे। खैर, मुझे आज थोड़ा हैवी वेट पिक करना है और थोड़ा सा मैंने जल्दी की है वेट पिक करने में, क्योंकि 50 kg मैंने सेकंड सेट में लगा दिया, अब मुझे इससे प्रोग्रेस करना है। लास्ट मैंने 65 लगाया था, 65 पे 1 रेप, आज देखते हैं कितना लगाते हैं, क्योंकि अगर 50 हो गया, 50 में 15 की प्लेट लगाएंगे तो 65 बन जाएगा, अगर 20 लगाता हूँ तो 70। चल देखते हैं। ओह, 70 kg है, इंसीन वेट है मेरे लिए तो, बहुत ज़्यादा। बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, इजी है, आ गया फुल। बढ़िया, बस। तो 70 kg पे 1 रैप निकला, अब मैक्सिमम बस रैप्स लगाते हैं कितने निकलते हैं। जो लास्ट डिप्स में वेट लगाया वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो आपको इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगाना है। ये कभी कभी होता है जब आपको फीलिंग आती है कि आप हैवी लगा सकते हैं, उस दिन आप इसे लगाएं, बट ये कभी भी रेगुलर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये इंजरी प्रोन होता है। अपने अपर चेस्ट और शोल्डर फोकस। ये एक्सरसाइज हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, जो कि हमारा चेस्ट और शोल्डर फोकस था। चेस्ट में स्पेसिफिकली आपका इनर चेस्ट और अपर चेस्ट में आया था स्ट्रेन, तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें लिटिल बिट मिस्टेक्स हो, बट हम मिस्टेक्स कर करके ही एक अच्छी एक्सरसाइज करना सीखते हैं। बस 5 kg का प्रोग्रेशन लेंगे, 15 kg ऑलरेडी है,
मशीन का वेट बहुत ज्यादा है। एक मसल मेमोरी नाम की चीज होती है, जैसे कि हम एक मूवमेंट कर करके इतना अवेयर हो जाते हैं कि हमें उस मूवमेंट करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वही होती है मसल मेमोरी। एज ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम थी तो मसल मेमोरी 0-3, तो स्ट्रेन भी ज्यादा आ रहा था। वर्कआउट नहीं है जितना सोचा था एक्चुअली। ये जो मशीन है इसका वेट बहुत ज्यादा है, एक तरीके से कंपाउंड वर्कआउट ही हो गया। 20-25 मिनट उसकी स्मेल भी, अल्कोहल लीटर स्मेल भी खत्म हो जाती है आधे घंटे। ये जो एक्सरसाइज है ये हमने फर्स्ट टाइम करी है, तो जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, जब ऊपर जा रहे थे और जो नीचे आते हैं अपनी बॉडी को लीन फॉरवर्ड करते थे, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा था, हमारा मोशन इधर तक था, मतलब हमारा जो वेट है अपने शोल्डर से हल्का सा नीचे आता है, या फिर आप कह सकते हैं शोल्डर के पैरेलल। पर अगर हम इसको ऊपर जाके बैक को स्ट्रेट रखते हुए नीचे तक लेके जाए तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, आपका वेट आ रहा है लोअर चेस्ट के पास। तो अगर लोअर चेस्ट के पास वेट आएगा जब उसके बाद आप पुश करेंगे तो आपका होल चेस्ट से पुश आएगा, और बाद में जब इस मोशन में जाएगा तो आपका शोल्डर, और जब एंड में तो आपका बैक एंगेज होगा। तो हल्का सा डिफरेंस करने से एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। मिडिल चेस्ट को टारगेट करेंगे, मतलब ओवरऑल चेस्ट 25 से चला जाए, 15 रेप्स। अब बारी है मिडल चेस्ट की, तो मिडल चेस्ट में हम ऐसा क्राइटेरिया अपनाएंगे, फर्स्ट मॉडरेट वेट और हाई रैप्स, देन धीरे धीरे वेट का प्रोग्रेशन होता रहेगा और रैप्स डिक्रीज होते रहेंगे, बिकॉज जैसे ही वेट बढ़ेगा तो आपकी स्ट्रेंथ कम रहती रहेगी। अब बारी आई 40 kg की। पहले कुछ एक ऐसा टाइम होता था कि 40 kg को हाथ लगाना भी मुश्किल होता, बट अभी रैप्स लग रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मेरी पुश स्ट्रेंथ इंक्रीज़ अपने पुशअप्स की वजह से हुई है और डिप्स की वजह से हुई है, स्पेशली जब मैंने पुशअप्स को डिफिकल्ट बनाना शुरू कर दिया और डिप्स में वेट लगाने शुरू कर दिए तो एक चैलेंज हो गया, और मेरे जो मसल्स थे वो ऐसे ट्रेन हुए कि मेरी पुश स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। अब आई है बारी लेटरल हेड ऑफ शोल्डर की, जिसमें हम केबल से लेटरल हेड को ट्रेन कर रहे हैं। अब केबल से ये फ़ायदा होता है कि आप इसे अच्छी तरह से टेंशन दे सकते हैं शोल्डर्स में। फ्री वेट एक्सरसाइज होती है जैसे कि डंबल्स में हम लेटरल रेजेस करें, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है अपने केबल रेसेस से, और इसमें मैंने वेट मिनिमल टू मिनिमल लगाया बिकॉज स्ट्रेंथ पहले ही एग्जॉस्ट हो गई है, अब बस मसल को ही ट्रेन करना है। तो सिंपल सा वेट लगा के, हल्का सा वेट लगा के इसको फील करते हुए रैप्स लगाने हैं। अब एक्सरसाइज है सीटेड डंबल लेटरल रेजेस, इसमें मैंने वेट काफ़ी हल्का लगाया है, जस्ट फॉर्म में फोकस करना है।
आई थिंक 10 kg वेट है। और सीटेड फॉर्म का होने का फ़ायदा ये है कि आप लेग से जर्क नहीं ले पाएंगे। था हमारा पुश वर्कआउट था जिसमें हमने अपने पुश वाले मसल सबको टारगेट करा, बट हमारा जो ट्राइसेप्स मसल है वो थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर गया, बिकॉज अब हमारे पास टाइम इतना नहीं बचता और हम बिल्कुल इतनी पेस में होते हैं और लैक ऑफ टाइम की वजह से कुछ ना कुछ हमारा रह ही जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बट आपका जब ये मसल रह जाता है तो आप ये ट्राई करा करें कि जैसे कि आपका फर्स्ट पुश डे में आपका ट्राइसेप्स मसल रह गया, तो अगले पुश डे में आप ऐसा वर्कआउट प्लान करें कि आप ट्राइसेप्स मसल्स को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दें।